राधे राधे, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। नवनीत एजुकेशन कंपनी में बायबैक में जिसने भी शेयर लिए है उसके लिए अप्लाई करना अब कंपनी अनाउंस कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी ने क्या इसकी अप्लाइडेट मेंशन करी है, हमें इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या इसका रेशियो आने की उम्मीद लग रही है और भी काफी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है इस बायबैक के रिगार्डिंग आपको मैं आज वीडियो में शेयर कर दूंगा। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहना, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी की अभी बेल आइकन हिट कर लेना ताकि आपको सभी बायबैक के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, कॉर्पोरेट एक्शंस, स्प्लिट, बोनस, राइट इश्यू, ओएफएस, इन सभी के ऊपर जानकारी आपको टाइम से मिलती रहे, प्रॉपर स्ट्रेटेजी मिल जाती है आपको मेरे चैनल पे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अभी की अभी बेल आइकन जो साथ में घंटे का निशान है उसे प्रेस कर देना। आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि कंपनी ने क्या सर्कुलर रिलीज किया है, सब कुछ डिटेल आपको मैं शेयर कर देता हूं। अगर हम इस बायबैक की बात करें ना, बायबैक की रिकॉर्ड डेट थी वो थी मंगलवार 13 अगस्त की, इसकी रिकॉर्डेड थी, मतलब जिसने भी 12 अगस्त तक शेयर को बाय किया होगा वो इसके अंदर बायबैक में एलिजिबल है। ठीक है, कंपनी ने मेंशन किया है कि रिकॉर्डेड वाले दिन के एंड में इस शेयर का प्राइस जो है वो 159.14 रुपीस में बंद हुआ था। तो इसके बेस के ऊपर जिसके पास भी 1256 शेयर, 1256 शेयर या उससे कम शेयर थे वो चले गए हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर, और जिसके पास भी 1256 शेयर से ऊपर शेयर थे वो चले गए जनरल कैटेगरी के अंदर। तो आपको क्लियर होगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आ चुके हो। अब यहां कंपनी बताती है कि रिकॉर्ड डेट के एंड में इसके अंदर नंबर ऑफ जो पब्लिक है, जो रिटेलर्स है, उनकी वैल्यू जो संख्या जो है वो 50,581 की थी, 50,581 इसमें रिटेलर्स थे। और आपको मैं शेयर कर देता हूं कि बायबैक की न्यूज से पहले इस कंपनी के अंदर 42,000 रिटेलर्स प्रेजेंट थे, मतलब बायबैक की न्यूज के बाद में इस कंपनी में मोटा मोटा 8,000 लोगों की एंट्री हुई है। 8,000 लोग ऐसे हैं जो इसके अंदर बायबैक की न्यूज के कारण एंटर हुए हैं। क्लियर हो गया। बायबैक का टोटल साइज जो था वो था 50 लाख शेयर्स का, जिसके अंदर 15% का पोर्शन था रिटेलर्स के लिए, तो उनके लिए 7.50 मतलब 7.5 लाख शेयर्स रिजर्व किए गए हैं। अब इसके अंदर जो एंटाइटलमेंट का रेशियो निकल के आया है, रिकॉर्ड वाले दिन जो रेशियो निकल के आया है वो आया है 547 शेयर में से आपके 46 शेयर जाने वाले हैं, मतलब मोटा मोटा हम कह सकते हैं 8.41% का इसका ईआर का रेशियो निकल के आया है। और जनरल कैटेगरी की बात करें तो वहां पे 509 में से आपके 10 शेयर जाएंगे, तो वहां पे आपका जो रेशो है वो बनता है 1.96% का। सो ये इसका एंटाइटलमेंट रेशो निकल के आया है, एक्सेप्टेंस का रेशो से बेटर निकल के आता है। मुझे उम्मीद थी कि इसका रेशो जो एक्सेप्टेंस का वो 20% प्लस के तक बन जाएगा आराम से, बस थोड़ा सा ये कम आया है, मतलब अब जो है लग रहा है कि इसका रेशो जो है वो 15% से लेके 20% के बीच में नॉर्मली निकल के आएगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है ये बेटर हो सकता है, क्योंकि देखिए 50,000 लोग जो है इसमें अभी प्रेजेंट है, उसमें से 8,000 लोग तो नए आए हैं बायबैक को लेके, तो वो तो पूरे एक्टिव है, मतलब वो तो अप्लाई जरूर करेंगे मोस्ट प्रोबली। बट जो 42,000 लोग पहले से प्रेजेंट होते हैं ना, उनका मेन टारगेट होता है कि वो लोग अप्लाई करते नहीं करते, वहां मेन फोकस करना होता है। क्योंकि जो लोग बायबैक की न्यूज की बात आते हैं ना, वो लोग तो ऑब्वियसली बात है मतलब फोकस कर रहे हैं कि भाई कब डेट आएगी, कब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शेयर इसलिए बाय की है। बट जो बायबैक से पहले इसके अंदर होल्डिंग लेके बैठे हैं वो लोग क्या होते हैं, उन लोगों को न्यूज का पता ही नहीं होता है, तो पहले से प्रेजेंट है, उनमें से कुछ लोगों ने इसमें लॉन्ग टर्म होल्डिंग ले रखी होगी, कुछ लोग ट्रैक नहीं कर रहे होंगे, तो उन लोगों में से काफी लोग होते हैं हाफ, ऐसे लोग होते हैं जो अप्लाई करते ही नहीं है। तो इसलिए ईआर का रेशियो और एक्सेप्टेंस रेशियो में काफी डिफरेंस हो जाता है। अगर आपके नए लोग एंटर कम होते हैं ना बायबैक के न्यूज के बाद में, उस केस के अंदर आपका एक्सेप्टेंस का रेशियो और जो ईआर का रेशियो है उनके अंदर जो गैप है वो काफी ज्यादा हो सकता है। तो उम्मीद लग रही है कि 15% से ऊपर का आ जाएगा, बट ऐसा हो सकता है कि ये 15 के बजाय 20 चला जाए, 25 चला जाए, होने में कुछ भी हो सकता है। अगर ये इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंची नहीं, उन लोगों तक पहुंची नहीं, तो वो लोग अप्लाई नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे तो अच्छा रिश्वत आ जाएगा। अब यहां आप लोग सोचोगे कि सर फिर तो बढ़िया है, हम वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, आप वीडियो बनाओ मत ताकि लोगों को पता नहीं चलेगा, फिर लोग अप्लाई नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है यार, इंफॉर्मेशन देना मेरा काम है, वो मैं दूंगा। अब चेक कर लेते हैं कि कंपनी ने डेट क्या मेंशन करी है, कब से कब तक इसमें अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है वो भी देख लेते हैं। कंपनी ने यहां बताया है कि इसमें अप्लाई जो है वो आपके पास ट्यूजडे 20 अगस्त को ओपन हो जाएगा और क्लोज होगा 26 अगस्त को मंडे को। तो इस टाइम फ्रेम के बीच में, इस टाइम के बीच में आपको इसमें अप्लाई करना होगा। लास्ट दिन तक का वेट मत करना, मैं हर बार बोलता हूं लास्ट दिन के अंदर 12-1 बजे के बाद में ब्रोकर जो है वो बायबैक में अप्लाई करना बंद कर देते हैं। तो इसलिए लास्ट दिन 26 अगस्त तक का वेट मत करना, टाइम से ही स्टार्टिंग अप्लाई कर देना अगर आपने शेयर लिए है बायबैक के लिए। तो अब अप्लाई करना कैसे वो देख लेते हैं। देखिए, आपने जिस भी ब्रोकर में शेयर बाय किया होगा आप उसकी हेल्प से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डिफरेंट वीडियो बनी हुई है कि अलग ब्रोकर के अंदर कैसे हम बायबैक में अप्लाई कर सकते हैं, आपको जाकर देख लेना ताकि आपको प्रोसेस क्लियर हो जाए कैसे अप्लाई करना है।
आई होप आपको इस बायबैक में अप्लाई के बारे में सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कुछ भी क्वेरी आपके मन में चल रही हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना, मैं आपकी क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन का लिंक मेंशन कर दिया गया है। वहां पे आपको हर एक स्टॉक्स की न्यूज सुबह मार्केट ओपन पहले मिल जाती है, उसके साथ साथ बायबैक की इन्फॉर्मेशन, सभी डेट्स का रिमाइंडर और भी काफी कुछ जानकारी जो है आपको वहां पे शेयर कर दी जाती है डेली बेसिस के ऊपर। तो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर कंसिडर कर लेना। बस ध्यान रखना टेलीग्राम के ऊपर मेरे काफी सारे फेक ग्रुप चल रहे हैं, तो इसलिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन किया हुआ है उसी लिंक से आप टेलीग्राम ज्वाइन करना। अगर आप जो स्क्रीन दिए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप्स का लिंक शेयर कर दूंगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपने कर लिया होगा। सो करते वीडियो का पैकअप, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसी किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।